9,96,315 माइनस 8,25,000 आइए जी, ये आ गया बेटे 1,71,315 बिल्कुल सेम आंसर है। आप बताओ जी कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे, एम या एन? बेटे एन की एनपीवी ज्यादा आई है, तो लिखिए जी रिकमेंडेशन। द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज टू एक्सेप्ट प्रोजेक्ट एन एज इट इन्वॉल्व्स हायर इंसिडेंस ऑफ एनपीवी। बेटे पहला पार्ट तो कंप्लीट कर दिया मेरे बच्चे, चेक कर लो बेटे। अब सेकंड पार्ट है, इफ द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट मेथड इज यूज्ड विच प्रोजेक्ट वुड बी अप्रेज्ड विद द हायर रेट। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने एक बात अभी लिखवाई थी आपको, एक नोट में लिखवाई थी, हायर द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, लो विल बी द रिस्क। आराम से पहले इस बात को लिखिए और सोचिए कि क्या लिखा है। मैंने लिखा बेटे हायर द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट, मतलब मैं आपके सामने दो कोफिशिएंट रखूं, सीईसी किसी का 0.9 है मान लो और किसी का 0.7 है और 2,00,000 रुपए की इनफ्लोज है। तो आप बताओ जी 1,80,000 यहां पर आ गया और 1,40,000 यहां आ गया सर्टेन कैश इनफ्लोज, सर्टेन कैश इनफ्लोज। तो जब मैं कह रहा हूं कि 2,00,000 में से 1,80,000 होंगी तो 20,000 नहीं होंगी और यहां 60,000 नहीं होंगी, तो इसका मतलब रिस्की कौन सा ज्यादा है? बेटे हाई रिस्की है, हाई द अनसर्टेन, ऐसे भी लिख सकते हैं हाई द अनसर्टेन कैश इनफ्लोस, हाई विल बी द रिस्क। आराम से बेटे, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, इस सेकंड क्वेश्चन को कराऊंगा अभी करा, बट मैं कह रहा हूं जितना ज्यादा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट होगा उतना रिस्क कम होगा, रिस्क कम होगा, रिस्क कम होगा, रिस्क कम होगा। तो बेटे आप चेक कर लीजिए, मैं आपके सामने दो प्रोजेक्ट रख रहा हूं, एक एम है एक एन है, इसका 0.8, 0.7 और 0.5 सर्टेनिटी है और एन की देख लीजिए 0.9, 0.8, 0.7। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका हायर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट है और इसका लोअर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि इसका हायर है तो लो रिस्क है, इसका हाई रिस्क है। बेटे एक बात और बता दूं, आरएडीआर टेक्निक में एक बात सीखी थी, जिसका रिस्क ज्यादा होता है उसका आरएडीआर ज्यादा होता है। तो मैंने एक बात लिखवाई थी हायर द रिस्क हाई विल बी आरएडीआर, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना आरएडीआर ज्यादा होगा। तो बेटे बड़ी सिंपल सी बात हम लिख रहे हैं, लिखिए जी सेकंड पार्ट में यही पूछा है इसमें, एज प्रोजेक्ट एम इन्वॉल्व्स लोअर सर्टेनिटी
इक्विवेलेंट कोफिशिएंट्स, हेंस देयर इज हाई इंसिडेंस ऑफ अनसर्टेन कैश इनफ्लोस, दैट इज हाई रिस्क एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट एन. सो मैनेजमेंट मे बी एडवाइस टू एक्सेप्ट टू यूज हायर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट इन केस ऑफ प्रोजेक्ट एम एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट एन. क्योंकि बेटे प्रोजेक्ट एन में जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोफिशिएंट्स हैं वो हायर लेवल के. तो प्लीज आराम से देख लीजिए मैंने क्या लिखा है. चलिए जी, अब मैं समझता हूं कि आप 58 क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे. मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए. सेम है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं. फुल आंसर भी दे दिया, 59 भी कर लेंगे बेटे. 59 तो पेपर में आया था सीएस के, चेक करिए एक बार. प्लीज खोलिए पेज, खोलिए भाई. आप पेज भी नहीं खोल रहे कुछ बच्चे, तो ऐसे बेशरम बच्चे हैं, पेज तक नहीं खोल रहे. पेज तो खोल लो. अभी जो क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही, उसी से मिलता जुलता है बेटे. 58 और 59 जरूर करने चाहिए, और मैंने इनके फुल आंसर्स भी दे दिए हैं. मैं आज की क्लास की लास्ट टेक्निक पे चल रहा हूं. बस बेटे टेक्निक यूज हुई नहीं और आज की क्लास खत्म हुई नहीं. एक लास्ट टेक्निक आप लिख लीजिए बस बेटे, मैं इसके बाद आगे चलूंगा. मैं अभी पहले लिखवा रहा हूं फिर समझाऊंगा. आप पहले लिखिए कंसेप्ट 41. बेटे कंसेप्ट 41 लिखिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस. सेंसिटिविटी, वो मैडम बोलती थी ना, आपके दांतों में सेंसिटिविटी तो नहीं है, कहीं आप ठंडा पानी पीने से आपके दांतों में जन जनाहट तो नहीं होती, तो फिर आप आइसक्रीम दोबारा खाइए और आप सेंसोडाइन पेस्ट को ब्रश करिए. वो है सेंसिटिविटी, ना जुकता. लिख लो पहले तो. सेंसिटिविटी इज अ वे, स्पेलिंग ठीक करेंगे, इज अ वे नहीं है, इज अ वे एक तरीका है. सेंसिटिविटी इज अ वे ऑफ analyzing change of analyzing change. Sensitivity analysis is a way of analyzing change in project NPV for a given change. Spelling ठीक लिखा नहीं है, change लिखिए. For a given change in one of its variables. So sensitivity analysis is a way of analyzing change in the project NPV for a given change in one of its variables. लिख लीजिए फिर समझाऊंगा. सेल्स वॉल्यूम,
सेल सेलिंग प्राइस मटेरियल कॉस्ट लिखिए प्लीज। लिखें लेबर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट लाइफ कुछ भी बेटा यहां से लिख रहे थे। कंसेप्ट 41 सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग द चेंज इन एनपीवी फॉर अ गिवन चेंज इन वन ऑफ इट्स वेरिएबल्स सच एज सेल्स वॉल्यूम सेलिंग प्राइस मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट लाइफ। बी पॉइंट लिखिए व्हाट इफ को अंडरलाइन कीजिए पैसिविस्टिक को अंडरलाइन कीजिएगा लिखे बेटा चार क्वेश्चंस हैं आप प्लीज लिखे मैं समझाऊंगा आप बिल्कुल घबराइएगा मत बहुत आसान तरीका है। व्हाट इफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट राइजेस व्हाट इफ इफ मटेरियल कॉस्ट राइजेस व्हाट इफ इफ सेल्स वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हाट इफ इफ प्रोजेक्ट लाइफ फॉल्स। आप देखिए सर्च ही नेगेटिव सोच रहा हूं मैं नेगेटिव अप्रोच से चल रही है नेगेटिव 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 पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा द हाइएस्ट इंपैक्ट ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस इज टू फाइंड आउट द वेरिएबल विच हैज द हाइएस्ट इंपैक्ट ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। चलिए जी लास्ट है जी बस फॉर्मूला लिखिए खत्म। बेटा इस क्लास का लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं एनपीवी अपॉन की वेरिएबल इनटू 100। चलिए जी कंप्लीट कर रहे हैं और हम सारी बातें समझ रहे हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं और आज की क्लास 13 कंप्लीट। आइए मेहरबान कदरदान आइए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं कैपिटल बजटिंग के आखिरी पहलू पे हूं और मैं डिस्कस कर रहा हूं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी और इसमें डिस्कस कर रहा हूं जनरल टेक्निक्स और इसमें मैं अभी तीसरी टेक्निक कर रहा हूं पहली टेक्निक और दूसरी टेक्निक मैं करा चुका हूं अब मैं कर रहा हूं सेंसिटिविटी एनालिसिस। बस खत्म हो जाएगी क्लास फिर लास्ट क्लास होगी 14 जिसमें हम इस टेक्निक के बारे में सीखेंगे स्टैटिस्टिकल के बारे में। तो मैं ये बता दूं बेटे आपको मालूम है कि आप कभी प्लेइंग कार्ड्स को एक क्यूबर एक रखो प्लेइंग कार्ड्स ताश के पत्ते या कुछ बच्चे सागर के किनारे बेटे रेत का घर बनाते हैं बेटे रेत का घर। आपने कभी रेत का घर बनाया बेटे रेत का क्या आपने कोई भी घर नहीं बनाया बेटे रेत के घर में वो रेत से अपने घर को बनाते हैं
तो बेटे वो घर टूट भी जाता है। जैसे आप ताश के पत्ते रखे यहां पर, और अगर एक भी पत्ता गिर गया तो सारे के सारे पत्ते गिर जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप का जो प्रोजेक्ट है उसमें बेटे एक तो आउटफ्लो है और बेटे एक इनफ्लो है, और बेटे इनफ्लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन से आ रही है, और बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेल्स माइनस कॉस्ट से आ रहा है, और बेटे कॉस्ट जो है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट से आ रही है, और बेटे वेरिएबल कॉस्ट जो है मटेरियल लेबर और ओवरहेड से आ रहे हैं, और मटेरियल कॉस्ट कैसे आ रही है पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड। आपको मालूम है जो लाइफ में आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें हर एक छोटा छोटा फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटे हमें उसकी इंपॉर्टेंस दिखती नहीं है लेकिन बेटे उसकी इंपॉर्टेंस होती है। मैं आपसे यही बात कहने जा रहा हूं आज की क्लास में कि आप जब ये टेक्निक यूज करेंगे तो आपने इस टेक्निक में यही बात ढूंढनी है कि जो प्रोजेक्ट आप यूज कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो बेटे बड़े सारे पहलुओं पे डिपेंड कर रहा है, आउटफ्लो इनफ्लो, और आउटफ्लो भी बड़े सारे फैक्टर्स पे, मतलब इसमें प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, कैश इनफ्लो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी किस पे सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट भी बड़े सारे बेटे फैक्टर्स हैं। अब इन सभी में कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, नाजुक है? जैसे बेटे आपको मालूम है कि एक ह्यूमन बीइंग की पूरी बॉडी में कौन सा पार्ट सबसे नाजुक होता है? बेटे आपने ठीक पहचाना, हम सबकी बॉडी में जो आंखें होती है ना बेटे, ये सबसे नाजुक है। आंखें बेटे, आंखें 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 बेटे इतनी नाजुक हैं कि सामने किसी को आई फ्लू हुआ और आप दूर हो, उसे टच नहीं कर रहे, खाली देख रहे हो, दिखाइए क्या हुआ है, बस बेटे 2 मिनट देखिए आपको भी हो जाएगा। तो बेटे मैं अगर बॉडी को चलाना चाहूं तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना चाहिए, आंखों में। मैं ये नहीं कह रहा कि हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर इंपॉर्टेंट नहीं है, दांत इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटे उसमें सब में भी तो कुछ होंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। बेटे आप बताइए, मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके नीचे बड़े सारे नीचे मिनिस्टर्स थे, और एक सोनिया गांधी भी थी, बताइए किसके ज्यादा डर से, नाराज होने के डर से वो ज्यादा डर जाते थे? बेटे सोनिया गांधी, सोनिया गांधी नाराज हुई नहीं कि मनमोहन सिंह जी का सेंसिटिव मूड खराब हुआ नहीं, क्योंकि उनको पता था कि बेटे सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेंसिटिविटी सोनिया गांधी है, बाकी मिनिस्टर नाराज होते हैं, मरते हैं, मरे मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि हम इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इस टेक्निक में, जितने भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं इस टेक्निक में बेटे, हम उन सभी फैक्टर्स को चेक करेंगे और उनका इफेक्ट देखेंगे किस पे, एनपीवी पे। तो इफेक्ट ऑफ दोज फैक्टर्स ऑन एनपीवी, उन सभी फैक्टर्स का एनपीवी में हम इफेक्ट देखेंगे। बेटे आप ना हर समय ना नेगेटिव सोचते हो, आप कहते हो पेपर डिफिकल्ट आ गया तो, मैं सेंटर में टाइम पे नहीं पहुंचा तो, मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया और यही पेपर में आ गया तो। बेटे यही काम अब हमने किसी भी कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट में करना है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये नहीं हुआ तो,
कॉस्ट बढ़ गई तो सेल्स कम हो गई, तो बेटे इस अप्रोच को हम बोलते हैं पैसिमिस्टिक अप्रोच। दैट इज नेगेटिव अप्रोच। पैसिमिस्टिक कह दें या नेगेटिव कह दें, बात एक ही है बेटे। और हम ये सोच रहे हैं, हम अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इफ देयर इज चेंज इन एनी वन ऑफ द फैक्टर, इफ देयर इज अ चेंज इन एनी वन ऑफ द फैक्टर, वेदर एनपीवी विल बिकम जीरो और नॉट। आराम से बेटे, अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में चेंज आया तो क्या एनपीवी जीरो हो जाएगी? बेटे जैसे आपने देखा बॉम्बे में जन्माष्टमी के आसपास बहुत सारे लोग एक के ऊपर एक चढ़कर बेटे हांडी तोड़ने का कार्यक्रम करते हैं, आपने कभी नोट किया बेटे? सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी आई थी जिसमें सोनाक्षी ने हांडी को तोड़ने के लिए श्रृंखला, मानव श्रृंखला बनाई बेटे, सेकंड फ्लोर तक की हाइट तक चले जाते हैं ये, इसको बोलते हैं मानव श्रृंखला, मानव मानव का माउंटेन, मानव माउंटेन, मानव श्रृंखला। बेटे हांडी तोड़नी है, इसमें मक्खन है, अब ये प्रोजेक्ट है, आप बताइए जी इस प्रोजेक्ट में सभी लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बेटे कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान के चलते हैं कि इस व्यक्ति को सिर में मैं कह रहा हूं सिर में खुजली शुरू हो गई, होनी खुजली आ रहा है, सिर में खुजला रहा है, इसको भी सिर में खुजली शुरू हो गई, और बेटे इसको भी सिर में खुजली शुरू हो गई, आप बताइए किसकी खुजली सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होगी, मतलब किसके सिर में खुजलाने से पूरा प्रोजेक्ट खुजलाना शुरू कर देगा, पूरा प्रोजेक्ट जीरो हो जाएगा। बेटे मैं कहता हूं इसके खुजलाने से, इसके खुजलाने से, इसके खुजलाने से, मैं कहूंगा जी ये जो व्यक्ति नीचे खड़ा है ये ज्यादा सेंसिटिव है इस प्रोजेक्ट के लिए एज कंपेयर टू दिस एंड एज कंपेयर टू दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सेंसिटिव नहीं है, मैं कह रहा हूं ये ह्यूमन बीइंग अगर हट्टा कट्टा है और ये खुजलाता नहीं है तो बेटे ये ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएगा, और अगर इसने खुजलाना शुरू कर दिया सारे गिर जाएंगे नीचे, तो बेटे हड्डी तक टूट जाती लोगों की। तो मैं यही तो काम कर रहा हूं कि जब मैं एक प्रोजेक्ट को करूंगा तो वो सेंसिटिव कितना, आइए क्वेश्चन करके देखना तो ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है बेटे आज का, पेज 141 प्लीज खोल लीजिए। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद फॉलोइंग कैश फ्लोज, ठीक है जी, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो एक प्रोजेक्ट को कंसिडर कर रही है, टी जीरो 7000 रुपए की आउटफ्लो है, ठीक है जी। अच्छा यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक कर लेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं ठीक करा देता हूं पहले। परचेज ऑफ प्लांट, रनिंग कॉस्ट, सेविंग्स, लो बेटे ये ईयर है बेटे, क्वेश्चन ठीक कर लें, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 7000 यहां पे है ही बेटे, ये 2000 फर्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट है और 2500 है एक कॉलम, मतलब आगे आ गया बेटे 6000 सेविंग है और 7000 सेविंग है, आराम से देख ले, लिख ले पहले।
एक प्रोजेक्ट दिया हुआ बेटे, जिसमें प्लांट है, रनिंग कॉस्ट है और सेविंग है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट, अंडरलाइन कर दीजिए, सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ प्लांट। वो कहता अगर प्लांट की लेवल की परचेज कॉस्ट बढ़ जाए, रनिंग कॉस्ट बढ़ जाए और सेविंग कम हो जाए, बड़े सिंपल सी बात है बेटे, खर्चों को बढ़ाओ तभी एनपीवी जीरो आएगी, इनकम को कम कर दो तभी एनपीवी जीरो आएगी, सच दैट एनपीवी बिकम्स जीरो। विच फैक्टर इज मोस्ट, अंडरलाइन कर दीजिए, विच फैक्टर इज मोस्ट सेंसिटिव विच विल अफेक्ट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं आप एक बार दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें, लास्ट आइए, दो मिनट की बात रहिए। दो मिनट की बात तो रहिए जी, ऐसे मूड खराब किया हुआ आपने, ऐसे मुंह पीला कर लिए, यहां पे जान निकल रही है आपको समझाने के लिए और आप ऐसे चुपचाप बैठे, गलत बात है। आपको कोई अगर आपके लिए कुछ फायदे के लिए कर रहा है तो आपको एटलीस्ट थैंक यू तो बोलना चाहिए, इतने एहसान फरामोश मत बनो। जो आज आप नेचर को दोगे कल नेचर आपको वही देगा, आज आप एहसान नहीं जतला रहे कल आप करेंगे तो कोई दूसरा भी आपके साथ यही करने वाला है। प्लीज कमर सीधी करें, प्यार से बैठे, हंसकर बैठे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल। आइए जी, मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 60th करने जा रहा हूं, मैं हेडिंग लिख रहा हूं जी, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू एनपीवी। आराम से बैठे, आराम से, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेंसिटिविटी। बेटा फॉर्मूला लिख लीजिए पहले तो, एनपीवी अपॉन फैक्टर, जो भी फैक्टर है, इनटू 100, फैक्टर इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट, इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट। Now, there are three factors. बेटे पहला प्लांट कॉस्ट, बेटे दूसरा रनिंग कॉस्ट, बेटे तीसरा सेविंग्स। आराम से बेटे, प्लांट कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट एंड सेविंग्स, तीन फैक्टर्स। थोड़ी जगह छोड़ दी, मैं आपको एक वर्किंग नोट टू बताना चाह रहा हूं, एज टैक्स रेट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, हेंस इट कैन बी इग्नोर्ड। So, cash inflow will be profit या cash inflow will be equal to savings minus running cost,
सेविंग्स माइनस रनिंग कॉस्ट, दैट इज कैश इनफ्लो ऑफ फर्स्ट ईयर इज 4,000 एंड कैश इनफ्लो ऑफ सेकेंड ईयर इज 4,500। आराम से बेटे बेटे, जब टैक्स नहीं होता तो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स सेम होते हैं, ये तो बात पता ही है आपको। चलिए जी, तो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एनपी, आइए बेटे, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और बेटे प्रेजेंट वैल्यू 0, 1, 2, बेटे 7,000, बेटे 4,000, बेटे 4,500, बेटे यहां लिख दीजिए टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। कोई जल्दी है ही नहीं, जल्दी क्या करनी, जल्दी करें आपके दुश्मन आप क्यों करो। लो जी, लो जी बेटे, मैंने तो निकाल लिया, आप प्लीज कैलकुलेटर से यूज करें। मैंने कैलकुलेटर यूज किया बेटे, 2 मिनट की बात नहीं है अब तो। चलिए जी लिखिए, एनपीवी इज इक्वल टू 7,590 माइनस 7,000 इज 590, पॉजिटिव है। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये पॉजिटिव तो है, बट अगर ये कौन से फैक्टर से जीरो आ सकती है और कितनी जल्दी जीरो आ सकती है बेटे। अब मैंने देखने 3 फैक्टर्स दिए बेटे इस क्वेश्चन में, प्लांट कॉस्ट की रिलेशन में, रनिंग कॉस्ट की रिलेशन में, सेविंग्स की रिलेशन में। बेटे प्लांट कॉस्ट बढ़ जाए, रनिंग कॉस्ट बढ़ जाए, सेविंग कम हो जाए, और कितने परसेंट से प्लांट कॉस्ट बढ़ जाए कि एनपीवी जीरो आ जाए, कितने परसेंट से रनिंग कॉस्ट बढ़ जाए कि एनपीवी जीरो आ जाए, कितने परसेंट से सेविंग कम हो जाए कि एनपीवी जीरो आ जाए। चलिए जी शुरू करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। बेटा फॉर्मूला लिख रहा हूं, एनपीवी अपॉन प्लांट कॉस्ट इनटू 100, बेटा 590 अपॉन 7,000 इनटू 100। बेटे 8.42% लिखा, पहले आराम से देख ले मैंने फिगर्स कौन सी ली है, कहां से ली है और कैलकुलेशन कैसे की है। आसान है, मुश्किल कुछ है ही नहीं। मैं ये लिख रहा हूं 8.42% इंप्लाइज इफ देयर इज इंक्रीज इन प्लांट कॉस्ट बाय 8.42% विद रिस्पेक्ट टू
current plant cost, then NPV will become zero. आराम से पहले लिख लीजिए, बेटे अभी प्लांट कॉस्ट जो है वो 7,000 रुपए की है, और अगर ये 8.42% से बढ़ गई तो हमारी एनपीवी जीरो आ जाएगी। चेक कर लीजिए, मैं करके दिखा दूं। अगर 7,000 प्लस 8.42% ऑफ 7,000 हो जाए तो बेटे ये हो गई 7,590 कैश आउटफ्लो, और बेटे कैश इनफ्लो तो 7,590 ही है, ये लीजिए एनपीवी जीरो आ गई। अब मैं दूसरी सेंसिटिविटी निकाल रहा हूं, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू रनिंग कॉस्ट। एनपीवी अपॉन 4,500 बेटे टोटल रनिंग कॉस्ट है, टोटल रनिंग कॉस्ट फॉर ईयर वन एंड टू। अब कुछ बुक्स में इसकी प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड किया, देखेंगे अभी अभी आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। ले लीजिए बेटा, यही आंसर है बेटे, देख लो मैं फिर भी करा रहा हूं जबकि फुल आंसर दिया हुआ है। क्या मतलब वो 13.11 का? इट इंप्लाइज इफ रनिंग कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 13.11 फ्रॉम इट्स करेंट एग्जिस्टिंग लेवल then NPV will become zero। और बेटा लास्ट है सेंसिटिविटी ऑफ सेविंग्स विद रिस्पेक्ट टू NPV, बेटे 590 अपॉन टोटल सेविंग कितनी है बेटे इन 200। बेटे 4.53% इट इंप्लाइज, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना, इट इंप्लाइज इफ देयर इज डिक्रीज इन, इट इंप्लाइज इफ देयर इज डिक्रीज इन सेविंग्स बाय 4.53% from its existing level, then NPV will become zero। बेटे जिस तरह से मैंने कराया है, दावा इस बात का है कि कोई टीचर अगर करा दे तो वो पढ़ाना छोड़ दो। बेटे जिस प्यार से, जिस अपनेपन से, जिस मोहब्बत से, जिस पीपीटी से, जितने प्रैक्टिस मैंने कराया क्वेश्चंस, कोई नहीं कराता बेटे, कोई नहीं कराता। अब मुझे बताइए जी, एक प्रोजेक्ट की एनपीवी में तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एक प्लांट कॉस्ट है इस क्वेश्चन में, एक रनिंग कॉस्ट है, एक सेविंग्स है। रनिंग कॉस्ट अगर हिली 8.42% से 13.31 से और 4.51 से, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है बेटे,
मेरे हिसाब से बेटे अगर सेविंग्स 4% भी हिल गई तो मेरी एनपीवी जीरो आ जाएगी, और प्लांट कॉस्ट 8 से हिली तो आएगी, रनिंग कॉस्ट 13 से हिली तो आएगी। तो बेटे सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्या हुआ? सेविंग्स। तो लिखे जी रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड दैट सेविंग्स इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर इन द गिवन प्रोजेक्ट। अब मुझे पता चल गया कि ये सेंसिटिव है, तो बेटे मैनेजमेंट को किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? सेविंग्स पे, कि अगर वो हिली तो सब हिल जाएगा, सब हिल जाएगा ब्रह्मांड, तो सेविंग्स पे ध्यान देंगे तो हमें ये पता चल गया। तो बेटे मैंने आज 3 टेक्निक्स बताई हैं, आरएडीआर, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, सेंसिटिविटी, ये तीनों जनरल टेक्निक्स हैं। तो बेटे इसकी मदद से हम आगे काम कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपने और करना है, क्वेश्चन 61, इसका फुल आंसर दिया हो बेटे, मैं लेक्चर 14 में आगे चलूंगा और इन्हीं बातों के साथ। मेरी शुभकामनाएं आपको कि आपको मन लगे पढ़ाई करने में, और आप एटलीस्ट जो क्वेश्चंस मैंने कराए वो तो कर लें, बहुत इजी है बेटे, दिल से पूछना बहुत इजी है। ये तो मैं टाइम लगा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पीपीटी बता रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, मोहब्बत से करा रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, धीरे धीरे चल रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। लेकिन बेटे इसका फायदा आपको 25 फरवरी और 25 अगस्त में मिलेगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।